नीचे उतर जाओ। ओके रिसीवर। To give his message. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi min sharri shaitanir rajeem al-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. As-salatu wa s-salamu ala rasulihil kareem wa hirayti al-tayyibin al-tahirin wa s-hadihil muntajirin. Amma ba'd, faqad qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Husainun minni wa ana min Husain. Shaykh Husain ka tashreef farma, sadr muhtaram, ulama-e kiram, MLA, MNC sahab, aur tamam huzur-e muhtaram ki khidmat mein सलाम अर्ज करता हूँ कि जो साहब कहते हैं कि तारीख कह रही है ये आवाज़ दम बदम, तारीख कह रही है ये आवाज़ दम बदम, दश्ते सबा तो अज़्म है दश्ते बलाओ गम, सब्रे मसीह और जुरते सुखरात की कसम, इस राह में है सिर्फ एक इंसान का कदम, जिसकी रगों में आतशे बदरो हुनैन है, उस सूर माँ का इसमें ग्रामी हुसैन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक फ़िरके या किसी एक मसलक से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये तक मैं कह सकता हूँ कि वो ना सिर्फ शहीद तशय्यु है, ना सिर्फ शहीद इस्लाम है, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद इंसानियत है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम फ़िरक़ व मज़ाहिब, तमाम मसालिक, तमाम मज़ाहिब, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सब इमाम हुसैन का गम मनाते हैं और सब इस गम में शरीक हैं, और मुहर्रम किसी एक फ़िरके की मिल्कियत नहीं है, तमाम इंसानियत इसमें शरीक है। लिहाजा तमाम इंसानों को जो भी मुहर्रम मनाना चाहते हैं उनको हिस्सा अदा करने का मौका हुकूमत को देना चाहिए। और मैं ये इस्लाह भी कर दूँ कि ये सिर्फ आसिफ जाही दौर से शुरू नहीं हुआ है, बल्कि जब से कुतुब शाही हुकूमत का इस सरजमीन पर जब से उन्होंने कदम रखा है उस वक्त से मुहर्रम मनाया जाता है, और मुहर्रम की तारीख उसी वक्त से शुरू हुई हैदराबाद में, जब से इस शहर का नाम हैदराबाद रखा गया और जब से यहाँ पर इस्लाम आया है। तो बस मैं अपनी बात को तमाम करूँ कि ये मुहर्रम दर हकीकत इंसानियत साजी का महीना है, और ये दो महीने आठ दिन दर हकीकत इंसान साजी का कैंप है, या जहाँ इंसान बनाए जाते हैं। नदी तहारतों की बहादी हुसैन ने, किरदार की सबील चला दी हुसैन ने, जलती हुई जमीन पे खुद रह के तिश्ना काम, इंसानियत की प्यास बुझा दी हुसैन ने, इंसानियत की प्यास बुझा दी हुसैन ने। मैं बात को तमाम कर रहा हूँ, और ये भी मैं कहूँ जो साहब के अशार की जबान से कि आलम में हो चुका है मुसलसल ये तजर्बा, कुव्वत ही जिंदगी की रही है गिराह कुशा, सर ज़ौफ़ का हमेशा रहा है झुका हुआ, ना ताकती की मौत है ताकत का सामना, ताकत सी शय मगर खिजलो बदनसीब थी, ना ताकती हुसैन की कितनी अजीब थी, ताकत सी शय को खाक में जिसने मिला दिया, तख्ता उलट के कसरे हुकूमत को उठा दिया, ठोकर से जिसने अफसर शाही गिरा दिया, इस तरह जिससे जुल्म सिया फाम हो गया, लफ्ज़े यजीद दाखिले दुश्नाम हो गया। अगर बात को मैं तमाम करते हुए फिर अशार की ज़बान में ये कहूँ कि करबला अब भी हुकूमत को निगल सकती है, करबला तख्त को तलवों से मसल सकती है, करबला खार तो क्या आग पे चल सकती है, करबला वक्त के धारे को बदल सकती है, करबला किले फौलाद है जर्रारों का, करबला नाम है चलती हुई तलवारों का, करबला एक तजलजुल है मुहित दौरा, करबला खिरमन सरमाया पे है बर्फ तबा, करबला तबल पे है ज़रबत आवाज़ अज़ा, करबला जुरत इनकार है पेशे सुल्तान, फिक्र अफसोस यहाँ काश्त नहीं कर सकती, करबला ताज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहरहाल आखिर में मैं ये कहूँ कि ये दर्सगाह है
इबादत भी है, दर्सगाह इताअत भी है, दर्सगाह शराफत भी है। इस दर्सगाह सब्र में खुद सर नहीं बनते, गौर से सुनिए, इस दर्सगाह सब्र में खुद सर नहीं बनते। रोना जिन्हें आ जाता है पत्थर नहीं बनते, जो अश्क बहाते हैं सितमगर नहीं बनते, जो अश्क बहाते हैं सितमगर नहीं बनते। दिल ढलते हैं इस बज़्म में खंजर नहीं बनते। जिल्लत पे इस्लाम बना हो तो बताओ, हम में कोई सद्दाम बना हो तो बताओ। जिल्लत पे इस्लाम बना हो तो बताओ, हम में कोई सद्दाम बना हो तो बताओ। मैं अपनी बात को यहीं पर तमाम कर रहा हूँ। फिर एक मरतबा मैं गुजारिश करूँगा महकमे पुलिस से, हुकूमत से, कि मुहर्रम को किसी एक मसलक से वाबस्ता न करें, बल्कि वो लोग भी शरीक हों, सबको शरीक होने का मौका दें। और पूरे हैदराबाद में जुलूस को पूरे हैदराबाद में गश्त करना चाहिए, सिर्फ एक गली कूचे तक महदूद नहीं रखना चाहिए। सारा हैदराबाद चाहता है, लोग यहाँ आगे बसे मुहर्रम देखने के लिए। तो फिर आप अपने जुलूस को तमाम मेन सड़क से क्यों नहीं गुजारते? हुकूमत को चाहिए कि जो हुकूमत का जुलूस है वो तो हुकूमत की अहम सड़कों से गुजरना चाहिए, वरना फिर वही होगा जैसा कि लखनऊ में हुआ था कि मुहर्रम जो है 20 साल तक बंद था और उस पर पाबंदी लगी थी। हैदराबाद में कोई ऐसे ही है जैसे पाबंदी लगी हुई है। यहाँ पर भी जो है आबिट्स की सड़कों पर हमारा जुलूस दिखाई नहीं देता, टैंक बैंड पे हमारा जुलूस दिखाई नहीं देता। हमें चाहिए कि हैदराबाद का जुलूस सारे हैदराबाद के शहर में गश्त करना चाहिए और सबको ज़ियारत का मौका मिलना चाहिए और इस जुलूस में शिरकत का मौका तमाम हिंदू भाइयों को मिलना चाहिए। मैं बहैसियत मुसलमान तमाम हिंदुओं के जानिब से नुमाइंदगी करता हूँ हुकूमत के सामने के तमाम हिंदू भाइयों को इस मुहर्रम में शरीक होने का मौका दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोतवाली शहर मोहतरम अंजलि कुमार साहब, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता एमएलए मोहतरम, एमएलसी साहब जनाब गोल्डी साहब और अहमद पाशा खानी साहब जो एमएलए हैं और दीगर उलमा और ज़ाकरीन हजरात और अंजुमन के सुदूर, बिलखुसूस मैं यहाँ पर एसीपी और जितने सर्कल और ईसाई हैं उन तमाम की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ, क्योंकि इस स्पॉट पर सर्कल साहब रहते हैं, एसीपी साहब रहते हैं मुहर्रम में। यहाँ मैं इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे इससे कबल की जो मीटिंग हुई थी गवर्नमेंट की जानिब से, उसमें हाथी के सिलसिले में काफ़ी तफसीली गुफ्तगू रही। वहाँ पर एक मसला दरपेश आया, मैं उसकी मज़ीद वजाहत नहीं कर सका। मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर उसकी वजाहत करूँ और बिलखसूस इस मेरे मारूजे में मेरी मुखातबत हमारे कोतवाले शहर साहब से है कि कस्टम को तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे कि गुज़िश्ता जो हालात हैं इसके सबब 11 बजे सवारी अलम मुबारक बीबी के अलावे से बरामद हुई थी, उस सिलसिले में काफ़ी एक इंतशार बरपा हुआ कि 11 बजे क्यों सवारी बरामद हुई। जब आप ये समझ रहे हैं कि वो भी एक कस्टम है, 1 बजे सवारी निकलना है, तो इसी तरह जो जुलूस में हाथी रहता है जिस पे सवारी अलम मुबारक है शहजादी कौनैन हुआ करती है, वो भी सबसे आगे रहना चाहिए, सामने रहना चाहिए और जितने भी मातमी दस्ते हैं उनको पीछे रहना चाहिए। अगर ये इंतजाम अब नहीं हुए तो इन फ्यूचर ये अलम मुबारक असल तम 10 मुहर्रम को नहीं पहुँचेगा बल्कि 11 मुहर्रम हो जाएगी, क्योंकि तशरीफ़ फरमा इज़्ज़त माब कोतवाले शहर हैदराबाद अली जनाब अंजलि कुमार साहब, एमएलए पाशा खादरी साहब, एमएलसी रियाजुल हसन अफदी साहब, दीगर पुलिस के अहदेदारान,
उलमाए कराम, मोमिनीन, मातमदार, आज हम सब यहाँ पर एक मखसूस जलसे के लिए आए हैं जहाँ पर मुहर्रम के इंतजामात पर मुश्तमिल सबको जमा किया जाता है ताकि अपने ख्यालात का इजहार कर सके और मुहर्रम को बेहतर से बेहतर किस तरह से हम गुजार सके उस पर तदब्बुर तफक्कुर होता है। और ये एक ऐसा मौका है कि जहाँ पर सारी दुनिया पर ये नश्र किया जाता है, सिर्फ शहर हैदराबाद ही में नहीं, खुसूसन पिछले मुहर्रम से सारे ग्लोब पर हैदराबाद का नाम बहुत ही सुनहरी लफ्ज़ों में लिखा जाने लगा है। इस बिना पर कि जिस तरह कोविड के ज़माने में शहर हैदराबाद में मजलिसें, जुलूस, मातम, गिरी और जारी का इनेखाद अमल में आया, वैसे कहीं पर भी नज़र नहीं आया। एक मुनफरिद शहर हैदराबाद के जहां पर इतने ज़्यादा जुलूस और मातम निकाले गए और इंशाल्लाह इस साल भी उसी तरह से इंतजाम किए जाएंगे और उससे बेहतर होगा। ऐसे लगता है कि हुसैन को हम किसी एक कौम में मुकैद नहीं कर सकते। हुसैन ने इंसानियत को बचाया है। हुसैन एक इंसान का नाम नहीं है, हुसैन एक इनकलाब का नाम है, हुसैन एक तहरीक का नाम है। जैसे गांधी जी ने कहा था कि 1400 बरस में जितने इनकलाब आए हैं उसकी रूह और रवा जो है वो हुसैनी इनकलाब है, और हुसैनी इनकलाब से मैंने वो जज्बा हासिल किया है, उसी बिना पर ये हिंदुस्तान में भी इनकलाब आ रहा है। और आप देखेंगे इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ईरान का जो इनकलाब है वो इनकलाब यही करबला के इनकलाब पर मुनासिर है, वहीं से अक्स किया गया है। 16,000 ऑफिसर्स के तरफ से मैं आपको कहता हूँ कि आपके हर गम में हम लोग शरीक हैं, और मुहर्रम का जो ओकेजन रहता है हैदराबाद में, ये हमारे लिए एक सर्विस का मौका है, और हमारे सभी ऑफिसर बिल्कुल उसी फीलिंग से आपके सर्विस में हमेशा हाजिर रहते हैं। अगर किसी से कभी कुछ गलती होती है उसको माफ करिए, उसको सही रास्ते पे लाइए। कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट भी हो सकता है कुछ लोग गलती करें, इसीलिए आप हैं, हम हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, मिलकर उनको सही रास्ते पर लाएंगे। तो एक बार फिर हम अपने तमाम सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से, अपने पूरे सिटी पुलिस के सभी ऑफिसर्स की तरफ से, सबसे पहले अपने सभी बुजुर्गों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके आने से सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी हौसला अफजाई होती है, और उसके बाद हमारे अंदर जो भी कैपेसिटी है उसका हम लोग और बढ़ाकर बेहतर करके पब्लिक सर्विस, आपके सर्विस के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया सर।